के शिलान्यास और 3501 जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नगर सृजन योजना के अंतर्गत कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित माननीय नगर विकास मंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ राज्य मंत्री नगर विकास जी का जो इस कार्यक्रम में हमारे बीच में है। हमारे जो डायरेक्टरेट के हमारे साथी हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जो हमारे मीडिया के साथी इस कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं उन सबका स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारी आज के इस कार्यक्रम में 170 निकायों से हमारे अधिकारी और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, हमारे नगर निगमों से हमारे माननीय मेयर, हमारे माननीय चेयरमैन साहिबान नगर निकायों से और हमारे अधिकारी और उनके साथ में उनके सभी सम्मानित नागरिकगण भी जुड़े हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस कार्यक्रम की को गरिमा प्रदान कर रहे हैं, इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। अब माननीय मंत्री जी की अनुमति से मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे शिलान्यास और लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं हैं उनका बटन दबाकर शुभारंभ करने के लिए उनसे अनुरोध करूँगा। सर, मैं अवगत कराना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री जी नगर सृजन योजना के अंतर्गत 170 निकायों के हमारे काम है, जिनका हम 1715 परियोजनाएं हैं जिनका हम शिलान्यास कर रहे हैं और 166 निकाय हैं जिसमें 1786 परियोजनाएं हैं जिनकी कुल लागत 315 करोड़ है जिनका हम लोकार्पण कर रहे हैं। इस प्रकार आज हम कुल मिला के सर जो है 41 जनपदों की 3501 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। सर काना गौशालाएं अलग से हैं सर, जिसकी कुल लागत 654 करोड़ है सर, इन 3501 परियोजनाओं की जो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत है सर। इसके अतिरिक्त सर काना गौशालाओं का जिनका हम शिलान्यास कर रहे हैं वो 22 जनपद में 31 परियोजनाएं हैं जो 34 करोड़ की लागत से बनने जा रही है सर। हमारी सर निकाय भी आज जुड़ी हुई है साथ में। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी को कि हमारे सभी निकायों को आशीर्वचन दें और जो हमारी सिलेक्टेड निकाय हैं उनके साथ माननीय मंत्री जी उनके साथ डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे वो प्रोजेक्ट चलाएंगे और कैसे ये जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए लाभकारी होंगे ये प्रोजेक्ट। आज के कार्यक्रम में 41 जिलों की 170 निकायों से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय महापौर, माननीय नगर पालिका के अध्यक्षगण, नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, सभी निकायों के सभासद, पार्षद और सभी मेम्बरान, उन निकायों की के नगरी विस्तारों के सभी माननीय नागरिकगण, आज का यह दिन सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इतनी सारी परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास और लोकार्पण शायद पहले कभी हुआ नहीं होगा। जैसा कि आपने सुना, आज हमारे जो सभी नगर निकाय जुड़े हुए हैं उनमें 5 नगर निगम हैं, 31 नगर पालिका परिषद हैं और 134 नगर पंचायतें हैं जिनमें ये परियोजनाएं आकार ले रही हैं। उनमें 1715 परियोजनाएं शिलान्यास की हैं और 1786 परियोजनाएं लोकार्पण की हैं। कुल मिलाकर के 3501 परियोजनाओं का हम लोग लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं जिनकी कीमत लगभग 655 करोड़ रुपए के आसपास होती है। साथ ही कान्हा गौशाला की परियोजनाएं अलग हैं जो 22 जिलों में 31 कान्हा गौशालाओं का भी हम शिलान्यास कर रहे हैं। आपको मालूम है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इन 31 परियोजनाओं का की कीमत 35 करोड़ रुपया होती है। इस मौके पे आप सबको, सभी नगरजनों को, सभी नगरों के
सभी पूरे नेतृत्व को, चाहे महापौर साहब हो, चाहे अध्यक्ष जी हो, चेयरमैन साहब हो, सभी को, आप सबको मैं बार बार बधाई और शुभकामना देता हूँ, साधुवाद देता हूँ इतना बड़ा काम को सार्थक करने के लिए। आज की जो परियोजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है उनमें प्रमुख रूप से सड़क, नाली और फुटपाथ की वो 2609 परियोजनाएं हैं जिनकी धनराशि लगभग 469-70 करोड़ होती है। जल निकासी की 262 परियोजनाएं हैं जिनकी कीमत लगभग 67 करोड़ होती है। और वही साथ में विद्यालय मरम्मत और आंगनबाड़ी। देखिए ये एक विषय ऐसा है जो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा सभी लोगों को, इस बात ये बात ध्यान में रहे कि सामान्य रूप से विद्यालय और आंगनबाड़ी ये हमारे विभाग का ये विषय नहीं है, ये शिक्षा विभाग और महिला बाल कल्याण विभाग से संबंधित ये इमारतें होती हैं। फिर भी हमारा अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि विकसित भारत का, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, तो उसी तरह से नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनना चाहिए। तो उस दिशा में अगर काम करना है तो हमें लोगों के जीवन स्तर को उठाना है, और जीवन स्तर को उठाना है तो विद्यालय और आंगनबाड़ी भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हमने अपनी छोटी छोटी रकमों में से भी, अपने छोटे बजट में से भी हमने ऐसे कार्यों को भी लिया है जिसमें विद्यालय आंगनबाड़ी आते हैं, जो हमारे विभाग की डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं होने के बावजूद नगर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, महत्वपूर्ण है उनका स्थान और नागरिकों के जीवन में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। ऐसे विद्यालय और आंगनबाड़ी की 324 परियोजनाओं को की, जिनकी धनराशि 40-45 करोड़ रुपया होती है, लगभग 41 करोड़ रुपया होती है, उनको भी हमने आज के इस कार्यक्रम में लिया है। उसी प्रकार पेयजल की 23 परियोजनाएं जिनमें जिनकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए होती है, पार्क और ग्रीनरी की 95 परियोजनाएं हैं जिनकी धनराशि लगभग 26 करोड़ रुपए होती है, मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण 42 परियोजनाएं हैं। कल भी मैं ये बात कर रहा था कि व्यापारिक क्षेत्र भी एक ऐसा विषय होता है जो हम सभी देखते हैं कि शहर का, नगर का केंद्र होता है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको, कि वही लोग जाते हैं, शाम होते ही वहाँ भीड़ हो जाती है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता था, उनकी हालत बड़ी ख़राब, कहीं कचरा, कहीं गंदगी, कहीं फुटपाथ टूटा हुआ, लोगों के चलने की जगह नहीं। इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमने विकसित भारत का, विकसित नगर अगर बनाना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उस जिम्मेदारी के साथ हमने 42 परियोजनाएं जिनकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए होती है वो हमने लिया है। मुख्य चौराहों का सौंदर्यीकरण, ये बार बार मैं कहता रहा हूँ पहले भी कि हमारे जो नगरों के जो चौराहे होते हैं वो नगरों के आईने होते हैं, नगरों का चेहरा होते हैं, चौराहे को देख करके ही आदमी उस नगर के बारे में अपना एक अनुमान लगा लेता है कि कैसा नगर होगा। तो ऐसे चौराहों का बड़ा बेमरम्मत रहते थे, उनके सौंदर्यीकरण, उनकी मरम्मत का की बात मैं जब से मंत्री बना हूँ तब से लगातार कर रहा हूँ, मैंने उसमें जनभागीदारी की भी बात करी है। तो ऐसी भी परियोजनाएं, मुख्य चौराहों के सौंदर्यीकरण की परियोजनाएं 51 ली गई हैं जिनकी कीमत 10.25 करोड़ रुपया होती है। स्ट्रीट लाइट हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है, महत्वपूर्ण है और रहेगी। ऐसी 73 परियोजनाएं जिनकी धनराशि लगभग 16.34 करोड़ होती है लिया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और शौचालय की परियोजनाएं 13 ली गई हैं जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए से थोड़ी ऊपर है। और व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजनाएं भी ऐसी हैं जिनमें 9 परियोजनाएं ली गई हैं जिनकी धनराशि 3-4 करोड़ रुपया होती है। इस प्रकार ये सभी जन उपयोगी कार्य हैं जिनका आज शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। मैं दूसरी तरह से इसी बात की को कहूँ तो जिन 1786 परियोजनाओं का आज लोकार्पण हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा सड़क, नाली और फुटपाथ की परियोजनाएं हैं 1390। मतलब आज के, कल भी ऐसा ही था और आज भी आप ऐसा ही है कि कुल टोटल योजनाओं में से आपने देखा होगा कि 50% से ज़्यादा ऐसे हैं जिनका लोकार्पण हो रहा है। मतलब ये कि कार्य पूर्ण हो गया है, हम उनको जनता की सेवा में
अर्पित कर रहे हैं। ऐसे लोकार्पण होने वाले सबसे ज्यादा संख्या सड़क नाली और फुटपाथ की है। फिर जल निकासी की 71 योजनाएं हैं, सड़क नाली की 1390 योजनाएं थी, जल निकासी 71, पार्क हरित क्षेत्र 51, विद्यालय मरम्मत आंगनबाड़ी की 175 परियोजनाएं, पेयजल की 8 परियोजनाएं, व्यापारिक क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण की 29 परियोजनाएं, मुख्य चौराहों के सौंदर्यीकरण की 18 परियोजनाएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की 13 और स्ट्रीट लाइट की 31। इस प्रकार 1786 परियोजनाओं का हमने लोकार्पण किया। साथ ही जो शिलान्यास की 1715 परियोजनाएं हैं उसमें भी सबसे बड़ी संख्या सड़क नाली और फुटपाथ की ही है, 1219 परियोजनाएं, जल निकासी की 191, पार्क की 44, विद्यालय मरम्मत आंगनबाड़ी की 149, मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण की 13, चौराहों के सौंदर्यीकरण की 33, स्ट्रीट लाइट की 42, पेयजल की 15 और अन्य लाभार्थी परियोजनाएं जो है सेवाएं हैं 9। इस प्रकार बहुत ही आज का दिन शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन आज कहा जाएगा। कितनी सारी परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का जो यहाँ बैठे हैं उनका भी, हमारे नगर विकास विभाग के माननीय राज्य मंत्री राठौड़ साहब बैठे हैं, विभाग के हमारे निदेशक डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी नितिन बंसल जी बैठे हैं, अन्य हमारे सहयोगी कर्मचारी अधिकारीगण बैठे हैं और सामने तमाम निकायों के नेतृत्व और वहाँ की जनता, वहाँ के सभासद पार्षद, आप सबको सादर नमस्कार के साथ बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। अब इसके बाद कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है बातचीत करने के लिए, मैं एक एक करके उन निकायों से बात करूंगा। आप सब वहाँ जो लोग भी बैठे हैं उनसे नमस्ते करूंगा। उसके बाद मेरी इच्छा है कि जहाँ जहाँ भी आज कार्यक्रम हो रहा है सभी 170 निकायों में आप अपना स्थानिक कार्यक्रम अवश्य करिए। जो लोग आए हों उनके लिए जो भी आपने कार्यक्रम निर्धारित किया हुआ है, जिसका भी प्रवचन होना है, भाषण होना है, अध्यक्ष जी का, मेयर साहब का, जो भी आपने कार्यक्रम निर्धारित किया है वो आप जरूर आगे चलाइएगा। हम बहुत जल्दी ये कुछ 15 निकायों को चिन्हित किया गया उनसे बातचीत करके अपनी तरफ का कार्यक्रम मैं पूर्ण कर दूंगा। तो सबसे पहले अलीगढ़ से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मेयर साहब, सिंगर साहब, कैसे हैं? आप कैसे हैं? बस एकदम अच्छा है। मैं देख रहा हूँ कि आपकी 12 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण हुआ है, 2,33,00,000 रुपए की कीमत की परियोजनाएं, और साथ ही आपकी 26 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है जिसकी कीमत 7,77,00,000। तो कुल मिलाकर के आपकी लगभग 10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। माननीय विधायक जी भी बैठे हुए हैं, माननीय विधायक जी को भी मेरा सादर प्रणाम। भाई साहब बताइए, आपको कुछ कहना हो एक मिनट में तो बतावे मेयर साहब, विधायक जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपका कि आपने नगर चरण योजना के माध्यम से जो पूरे क्षेत्र हमारे उसमें ऐड हुए हैं, अलग से आपने प्लानिंग करके उसका बजट अलग से दिया है, तो अलीगढ़ की जनता की तरफ से, नगर निगम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंडली जो 32 योजना में 10 करोड़ के बाद एक हमने रिक्वेस्ट, और जो हमारे सेकेंड केस की रिक्वेस्ट और है तो वो भी जितनी जल्दी हो सके आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। जो हमारे नए क्षेत्र एड रोड पर काफी काम की जरूरत है तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी अलीगढ़ की जनता की ओर से कि उसमें भी जितनी जल्दी हो सके हमारे सेकंड केस मिले ताकि उस क्षेत्र में काम और तेजी से शुरुआत हो। दूसरी की पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आपने अपना सहयोग किया अलीगढ़ के लिए, आगे भी ऐसा सहयोग आपका मिलता रहेगा और अलीगढ़ आने वाले टाइम में नए आयाम सेट करेगा अपनी पूरी टीम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप दूसरी किस्त की आपने जो चिंता किया उससे आप निश्चिंत हो जाइए, वो अवश्य आपको मिल जाएगी। माननीय विधायक जी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब। सभी लोग उम्मीद बैठे थे कि नगर निगम हमारे गांव आ गए तो विकास कार्य अच्छे होंगे, तो वो मुझे पूर्ण उम्मीद है। अब हमारे यहाँ पर कार्य
सुचारू रूप से चलते रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे सभी। आपने बिल्कुल विधायक जी, आप लोग निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। मैं एक बात और, आप सभी, आपने चूंकि शुरुआत में ही इस बात को ध्यान दिलाया, तो मैं सबके जानकारी के लिए और लाभ के लिए मैं बता दूं कि हमारे विभाग का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का की बड़ी कृपा रही है और उन्होंने पिछले 2 साल से जब से मैं मंत्री बना हूँ, दोनों साल के बजट में कई ऐसी नई योजनाएं हम लोग लेकर के आए हैं उनके आशीर्वाद से, कि जो पहले इस प्रदेश में ही नहीं, देश के किसी प्रदेश में नहीं थी। जैसे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, 9 विस्तारित या 9 उच्चीकृत जो हमारे निकाय हैं उनको हम उनके भाग्य पे छोड़ देते थे। एक बार शामिल तो हो गए, लेकिन जब वो आएगा, उनका क्रम आएगा, तब उनको पैसा मिलता था। उसकी बजाय हमने उनके लिए अलग से योजना बनाई, अलग से पैसे मिले हैं हमको, पर्याप्त पैसा मिला है और उनसे बड़े अच्छे काम हुए। उसी प्रकार आपके ध्यान में होगा कि इस बार पिछले सप्लीमेंट्री में ही आ गया था, लेकिन इस बार उसमें और बढ़ोतरी होकर के हमारी और भी कुछ नई योजनाएं आई हैं। जैसे वंदन नाम की एक योजना आई है, उसमें नगरों में जो धार्मिक हमारे स्थान होते थे, पर्यटक स्थान होते थे, हमारी धरोहर वाले स्थान होते थे, पर्यटक करने के लिए लोग वहाँ जाते थे, लेकिन उनके रख रखाव के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं थी, तो वो योजना भी हमारे हमको मिली है, उसमें भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है। उसी प्रकार से नगरों की सड़कें या तो PWD की होती थी और हमारी छोटी छोटी योजनाओं में बनती थी, कहीं खड़ंजा लग जाता था, कहीं इंटरलॉकिंग हो जाती थी, लेकिन प्रॉपर सड़क बनाने की हमारे पास योजनाओं की कमी थी। स्टेट फाइनेंस का पैसा बहुत कम होता था, उसमें बहुत कुछ हो नहीं पाता था, तो इस बार हमने कहा कि नहीं, हमें नगरों में रास्तों को ठीक रखना अगर है, हमें अगर विकसित नगर दिखाने हैं, नए भारत का नए नगर बनाने हैं, तो हमें रोड के लिए अलग से पैसा चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने CM ग्रिड्स नाम की हमने योजना बनाई है, उसके लिए पर्याप्त धनराशि उन्होंने दिया। उसी प्रकार आपके यहाँ मैं आपको अच्छा हुआ याद आ गया कि आपके यहाँ भी जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है, अलीगढ़ में भी एकदम तस्तरी के स्वरूप में आपका एक बड़ा नाला भी सिंचाई का है, वो भी आपका हमारा सरदर बना हुआ है, तो इन सब स्टॉर्म वाटर के व्यवस्थापन के लिए, उसके निकासी के लिए भी हमने अलग से योजना बनाई है, उसमें भी बहुत बड़ा प्रावधान करके हमको मिला है। तो इस प्रकार हमारी जो नियमित योजनाएँ थी जल निकासी की, पीने के पानी की, काना गौशाला की, तालाब सौंदर्यीकरण की, उसके अतिरिक्त बहुत बहुत ही विशाल महत्वाकांक्षी योजनाएं हम लोग लेकर के आए हैं। मैं चाहूँगा कि सभी नगर निकाय उसका लाभ लें, हमारी तरफ से जो भी हो सकेगा हम आपके सेवा में सब कुछ करने को तैयार हैं। अब हम चलेंगे अलीगढ़ की ही जवां सिकंदरपुर। हाँ बताओ सर। नमस्कार सर। सर एक छोटा सा एक आपके सामने सर तथ्य रखना था। हम लोग का सर वो जैसे सेकंड केस जो है, बेसिकली हम लोगों ने 17 करोड़ का पूरा प्लान बना के भेजा था सभी वार्डों का, 20 वार्ड हमारे आए हुए थे, उसमें 10 करोड़ हम लोगों को मिल गया। अब 12 करोड़ का जो है वो पेंडिंग, तो सेकंड केस नहीं है सर, वो बेसिकली उसी को अच्छा सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं है, आप 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 एडिशनल काम आपने भेजा है, हम देख लेते हैं अगर कुछ बचत होगी तो उसमें दे सकते हैं, नहीं तो अब ये नया साल शुरू ही हो गया है उसमें ले लें। हमेश इसमें ऐसा है, ये 17 करोड़ का जो आपने प्रोजेक्ट भेजा था, आपका जो परिवहन हमने निर्धारित इस साल किया था वो आपका आवंटित हो गया है, अभी हमारे पास अगर बचत की धनराशि मिलेगी तो उस पर भी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं विचार हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर नया आ रहा है तो उसमें सैंक्शन करके आपको दे देंगे, उसकी अपडेटेड तारीख में एक नया प्रस्ताव भेज देना, हम लोग ले लेंगे इस साल वाले में ले लेंगे। और सर स्टॉर्म वाटर वाले में भी हमने पूरी योजना जो है पूरे शहर की 550 करोड़ की बना के भेज दिए सर, उसको शायद नया मिशन ला रहे हैं ना सर, बजट में एक बार प्रपोज किया। ठीक है, चलिए अलीगढ़ की ही सिकंदरपुर, जवां सिकंदरपुर नहीं है, अमरोहा जिले की सैद नगली। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जवां सिकंदरपुर से। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्कार,
जी नमस्कार सर, हमारी निकाय में बहुत ही अच्छी कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हम लोग न पैसे के लिए किसी के लिए, हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी से जैसे रिक्वायरमेंट करते हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो विकास पूर्व में 30 साल से नहीं हो रहे थे वो सब हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई चेयरमैन साहब आपको, आपको और आपके साथ वहाँ उपस्थित सभी सभासदगण को। हमारे यहाँ जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो सभी बढ़िया हैं। ठीक, बहुत हमारे नगर परिषद कार्यालय में सभी कार्य बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं देख रहा हूँ कि 7 कामों का आपके लोकार्पण हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए के काम है और 12 कामों का आज शिलान्यास आप कर रहे हैं। सर, जिसमें एक जो स्कूल का कंपोजिट स्कूल का कार्य हुआ है जो कि बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ था पहले की सरकारों में, तो हमारी सरकार में आज वो चमकने लगा है। उसकी जरा फोटो वीडियो हमको भिजवाइएगा, हम उसको अपने सोशल मीडिया पे जब डालेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आपका विभाग, आपका जो काम है वो कितना अच्छा है। जी बिल्कुल डालेंगे जी। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। अमरोहा की सैद नगली, अमरोहा जिले की सैद नगली नगर पंचायत। तब तक आगे ले लो। बागपत की रटौल, हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? रटौल से। अरे वाह, बहुत अच्छा दृश्य है। माननीय अध्यक्ष जी कहाँ से, रटौल से बोल रहे हैं? सादर प्रणाम अध्यक्ष जी, आपको और आपकी पूरी टीम को। जो जो कार्यक्रम यहाँ पर आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है जी, और खास तौर से जो पानी की निकासी का है और तिराहों का जो सौदीकरण आपने कहा है उसका भी खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो फुटपाथ बनाने का हमारे यहाँ काम हो रहा है बहुत ही अच्छा रहेगा, और पानी की निकासी का जो प्रोग्राम आपने रखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी था। 50-20 साल से यहाँ पर परेशानी थी, वो हमारे कस्बे को बहुत लाभ मिलेगा, तो इसी के लिए बहुत बहुत बधाई चेयरमैन साहब आपको। मैं देख रहा हूँ कि आज आपकी 18 योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, खास तौर से रटौल के अंदर जो विकास यहाँ पर आया है और जिस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, एक बहुत ही चौमुखी विकास चल रहा है जिसकी जितनी भी सराहना की जाए, हम लोग आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। यहाँ की जनता हमेशा याद रखेगी, रटौल आम में आपसे मिला था तो आप प्रोग्राम था, तो आम के प्रोग्राम में भी आप तशरीफ लाएंगे, जरूर वादा किया था। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। सबके बहुत जनता को आपको आपको आपके सभी सभासदगण को, सभी कर्मचारी अधिकारीगण को बहुत है। वो है कि जो हमारा विस्तार, सीमा विस्तार की फाइल गई भी है, वो माननीय हमारे डीएम साहब से भी और उनके भी इस वक्त प्रोसेस में है फाइल और लखनऊ में। सीमा विस्तार बहुत जरूरी है जिससे कि हम अपने पूरे पैसे का सही से देखेंगे। अभी ये काम अभी हम नहीं लेना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद इस पर विचार कर लिया जाएगा। अब हम चलते हैं बहराइच, बहराइच में नगर पालिका परिषद बहराइच। प्रणाम जी नमस्कार। बहराइच का ये शिलान्यास हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपका और सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शुक्रिया चेयरमैन साहब। अब हम बहराइच चलते हैं। बहराइच में आज दो योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है,
एक का शिलान्यास हुआ है जी, हमारे बीच हमारे सारे सभासद भी बैठे हुए हैं, वो भी आपको नमस्कार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सबको प्रणाम। वहाँ बैठे हुए माननीय अध्यक्ष जी सहित मैं सभी नगर पालिका परिषद के सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। और आप सबको बहुत बहुत बधाई दी अध्यक्षा जी। यहाँ पर तीन नए वार्ड बने हैं जी, केवल एक योजना 18,58,000 की प्राप्त हुई, उनमें काफी आवश्यकता है कि काम हो सके। पिछले 15 सालों से पार्टी का चेयरमैन ना होने की वजह से भी नगर का सुंदरीकरण विकास में काफी बाधा रही, तो आपसे विशेष अपेक्षा है कि बहराइच में विशेष ध्यान आपका बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। काना गौशाला का पैसा भी अभी यहाँ पे नहीं आया है, बहुत बड़ी गौशाला चल रही है 500-600, तो आपने मांगा था, प्रस्ताव पहले जा चुका है, तो प्रस्ताव किस लिए, चालू गौशाला का पैसा चाहिए कि नहीं बनाने के लिए पैसा चाहिए, नहीं बनाने के लिए चल रही है, चलाई जा रही है। सर काना गौशाला जो है अभी प्रस्ताव भेजा है हम लोगों ने, सर प्रणाम, वो सर हमारे पास अभी काना गौशाला नहीं है, और अभी डीएम साहब ने गौशाला संचालन कर रहे हैं। कब भेजा है प्रपोजल आपने सर, ये पूछ रहे हैं सर, लगभग 1 महीने हो गए थे, 2 महीने हो गए, उसके अंत में भेज रही हो तुम, पहले जमीन है आपके पास? जी सर, जमीन चिन्हित है सर, डीएम साहब से जमीन प्राप्त हो चुकी है, पेंशन बात कर लेना, अभी एक चल रही फाइल उसमें डाल दे, ठीक है। आप तत्कालिक आज ही जरा ये अपने डायरेक्टर साहब को फैक वो व्हाट्सएप कर देना प्रस्ताव अपना, जी सर जी सर, देखते हैं एक चल रही है अंतिम कुछ निकायों का प्रस्ताव चल रहा है उसी में डाल दे, ठीक है। नहीं ये तो हो जाना चाहिए था, गौशाला के लिए तो कोई कमी है ही नहीं है, हम तो रोज 2-5-10 मंजूर करते हैं भाई। चलिए और भी देखिए, बहराइच या अन्य ऐसी तमाम ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, मैं देख रहा हूँ कि एक एक जगह कई कई सौ की संख्या में आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं नमन के साथ फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, धन्यवाद। हमारे साथ खुशावंत श्री ए के शर्मा जी हैं। सर आज का दिन ऐतिहासिक है, तो जो आज कई लोकार्पण शिलान्यास हुए हैं उसका ग्रामीण क्षेत्रों में कितना विकास होगा? ग्रामीण क्षेत्रों की ही यूं मान लीजिए कि ज्यादा परियोजनाएं हमारे छोटे नगर निकाय, मैं आपको बताऊं तो 241 नगर निकाय हमारे ऐसे हैं राज्य में जो अभी गांव से नगर बने हैं, गांव से शहर बने हैं, टेक्निकली वो शहर बने हैं लेकिन अभी भी उनकी जो व्यवस्था है, जो परिस्थितियाँ हैं वो कम बेस गांव जैसी ही है, तो उनके विकास के लिए हमने एक विशेष योजना चलाई है, नगर सृजन योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। उस योजना के तहत आज के कामों में सबसे ज़्यादा संख्या अगर है तो उन्हीं कामों की, वहाँ सड़क बनाने का, स्ट्रीट लाइट बनाने का, पीने के पानी की व्यवस्था करने का, ये सारे काम ज़्यादा उन जगहों पे, विद्यालय जैसा कि एक चेयरमैन बता रहे थे, विद्यालय जर्जर हो गया था, हमने उसको ठीक किया है उसी पैसे में से, आंगनवाड़ियाँ खराब पड़ी थी उनको ठीक किया, तो ऐसे जो अविकसित हमारे क्षेत्र जो नए शामिल हुए हैं उनके लिए विशेष रूप से आज की योजनाओं में उनका समावेश है। बाकी आपने देखा कि कुल 170 निकायों में जो 41 जिलों में फैली हुई हैं उनकी 3501 परियोजनाएँ जिनकी कीमत 654.55 करोड़ रुपए होती है, इतनी बहुत बड़ी संख्या में परियोजनाएं और बहुत बड़ी रकम की परियोजनाएं आज हमने शिलान्यास और लोकार्पित किया है। मैं उन नगरों में रहने वाले सभी नगरजनों को, वहां के नेतृत्व को साधुवाद और बधाई देता हूं। सर आखिरी सवाल, देश को विकसित विकासशील से विकसित बनाने के लिए क्या आगे की आपकी रणनीति होगी, क्या योजनाएं होंगी? हमारी रणनीति बहुत साफ है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश को विकसित बनाने की बात करते हैं 2049 तक, माननीय मुख्यमंत्री जी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं आने वाले इसी वर्षों में, इन दोनों पहलुओं पे, चाहे वो $1 ट्रिलियन की बात किया जाए, इकोनॉमी की बात किया जाए या विकसित भारत की बात किया जाए, नगरीय क्षेत्रों का जो वर्तमान में मेरा दायित्व है उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो लगभग आज भी हमारे जो 762 निकाय हैं उनका योगदान उत्तर प्रदेश की GDP में
हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में लगभग 65%। तो जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था की साइज बढ़ती है वैसे ही हमारे नगमों का योगदान भी उसमें बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे। उस दृष्टि से एक पहली बात तो ये कि नगरों में निवेश हमें करना पड़ेगा, नगर की नाली गली सड़क बिजली व्यवस्था सब कुछ दुरुस्त करनी पड़ेगी। जब एक बार नगर जो है वो अच्छा होता है तो एक चुंबक की तरह काम करता है, वो अर्थव्यवस्था के को खींचता है, वहाँ के जो अर्थव्यवस्था के जो बल होते हैं वाहक होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो जो अच्छा नगर है उसमें चुन करके जाता है, कोई सोचता है कि इंडिया में कहाँ लगाएं यूपी में कहाँ लगाएं, तो जहाँ रहने की उसको अच्छी व्यवस्था है उसके मैनेजमेंट के लोग जहाँ पसंद करें रहना वहाँ जाता है। ये स्वाभाविक मानवीय गुण है। तो इसलिए नगरों के का योगदान बहुत ज़्यादा है, स्वयं जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, हजारों काम होते हैं, प्लस बाहर से आके लोग उनको देख करके वहाँ रोजगार धंधा लगाने के लिए प्रेरित होते हैं। हमारे आप जैसे पढ़े लिखे लोग प्रोफेशनल लोग उन्हीं नगरों में जाके बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं जहाँ की व्यवस्थाएँ अच्छी हों। तो ये सारा बहुत महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। हमारे नगरीय केंद्र जो है वो अर्थव्यवस्था के हब होते हैं, इकॉनमी के हब होते हैं, उनका विकास बहुत आवश्यक है।